साथ के बच्चों, छुट्टियों से पहले हम आप लोगों को इतिहास का पाठ दो पाठ पढ़ा चुके थे, जिसमें आपको नागरिक शास्त्र शुरू करना था। तो आज हम आपको नागरिक शास्त्र में पहला पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है हमारा संविधान। पाठ का नाम क्या है? हमारा संविधान पाठ एक, और पाठ का नाम है हमारा संविधान। इसका नाम क्या है? हमारा संविधान। तो हम पाठ पढ़ेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किसका शासन था? आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए नियम कानून कैसे बना सकते। उन्होंने इस बात पर स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया और भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। मेरे बच्चों, अब अगस्त का महीना आ गया, इस महीने में हम 15 अगस्त मनाएंगे। 15 अगस्त क्या है? हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसी तरह हमारा संविधान है, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा संविधान कैसे बना, इस पाठ में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे और सुनेंगे। पाठ को ध्यान से सुनिए। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में आज़ादी से किसका शासन था? भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले किसका शासन था? उससे पहले अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लिए कानून कैसे बनेंगे और उन्हें कौन लागू करेगा। अंग्रेज लोग ही तय करते थे कि भारतीयों के लिए कौन से कानून बनेंगे और कैसे लागू करना। यहाँ का शासन उसी तरह से चलता था जिस तरह से इंग्लैंड की सरकार चलाना चाहती थी। उसमें कई भारतीय ऐसा सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, भारतीयों के मन में ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे नियम कानून कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इसलिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया, भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपनी चलाने का हक मिल सके, ताकि इस देश में अब है कैसे बना हमारा संविधान। अपना ये है कैसे बना हमारा संविधान। इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेले भी नहीं कर सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों और महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए अभी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों और महिलाओं तथा सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई, जिसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आप जानते हो, आपने सुने होंगे, जैसे श्रीमती सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एचपी काम। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के एक पारू समिति जिसने संविधान लिखने का काम किया, इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान स्वीकार किया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया, तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। देखिए, भारत हमारा कितना बड़ा देश है? भारत हमारा विश्व का 7वां बड़ा देश है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में रहती है। तो इतने बड़े देश के लिए कोई भी संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं था। इतने बड़े देश के लिए हर प्रांत हर क्षेत्र के लिए, चाहे पूर्व हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण हो, हर तरह हर जगह के लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए अपने देश के लोगों को सम्मान देना था। इसलिए 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई, 1946 ध्यान देने वाले। इसमें 389 लोग थे, जिसमें कोई हर प्रांत के लोग, हर क्षेत्र के लोग थे। इसमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, जैसे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल
कला माला जवाहरलाल नेहरू आमर। इसके अध्ययन जो जो इस सभा बनी थी इसके अध्ययन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसकी पायु समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मैं जन्मदिन हम लोग 14 अप्रैल मनाते हैं। ने इसके संविधान को देखने का काम किया कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया जिसे हम 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपने किताब में फोटो देखिए राजी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो है। डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव राम जी अम्बेडकर उनके लंदन के गोल्ड में सम्मेलन में परिभाग करके मार्केटिक तरीकों के सामाजिक उत्थान की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है इसलिए उन्हें दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की जिसके पश्चिम विधानमंडल में दलितों को स्थान आरक्षित आरक्षित किए गए। और आगे है आपने शायद कभी किसी दुनिया करके सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार को सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो अपने मन से काम नहीं करते यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान की निजी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या करना चाहिए। हमने आपने सुना हो भारत एक क्या है लोकतांत्रिक देश है। इसका अर्थ लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि सरकार कोई भी सरकार को बनाने और बदलने में जनता की भागीदारी होती है। उसी चाहे उनके ऊंचे पद पर देखिए इससे पहले अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है नरेंद्र मोदी जी। उससे पहले कौन था मनमोहन सिंह थे। ये मनमोहन सिंह को हटा करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया हमने आपने बनाया क्योंकि हमने जब चुनाव हुए थे 2014 और 2019 में हम सब लोग वोटिंग करने गए थे वोट दिए किस चुनाव में और लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो वो अपनी मनमानी से काम नहीं कर सकता। जिस देश लोकतांत्रिक वहाँ तक एक संविधान होता है संविधान के हिसाब से उसमें लिखी बातों के अनुसार उसे सारा कामकाज करना पड़ता है। संविधान के दायरे से बाहर जाकर जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यकाल होता है कोई भी काम नहीं कर सकता। संविधान ने यह भी लिखा होता है कि अगर कोई गैर संवैधानिक कार्य करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अब हमारा संविधान हम जो पढ़ेंगे हमारा संविधान भारतीय संविधान लिखित को विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन को परिवर्तन भी किया। मूल संविधान में कुल 22,395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ जो वर्तमान अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन और परिवर्तन भी किए। मूल संविधान में कुल 22,395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ भी बढ़ी। आइए जाने हमारे संविधान में क्या हमारे सबसे पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना है जिसमें संविधान के उद्देश्य लिए गए हैं। अपने संविधान को समझने के लिए करें इसकी प्रस्तावना में लिए गए उद्देश्यों का विचार करें। प्रभुत्व संपन्न राज्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न राज्य। पहला शब्द क्या है प्रभुत्व संपन्न राज्य। पहला शब्द है प्रभुतत्व संपन्न भारत की सरकार आंतरिक और बाहरी मामलों में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने को पूर्ण स्वतंत्र है इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया। भारत की सरकार अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में अपना निर्णय करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है इसलिए भारत समाजवाद। दूसरा शब्द है हमारा देश समाजवादी राज्य की स्थापना करने यहाँ समाजवाद का अर्थ सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करेगी। पंथ निरपेक्ष दूसरा शब्द है समाजवाद दूसरा हो गया। समाजवाद के बारे में आपको बता दिया समाजवाद। तीसरा है
हेल्थ लीकेज। किसी राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं है, वरन सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। हमारे देश में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सभी को समान अधिकार मिलते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए लोकतांत्रिक कहा जाता है। भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होते हैं, इसे भारत को गणराज्य कहा गया है। अब हम लोग मानव अधिकार के बारे में समझेंगे। मानव अधिकार जन्म से ही प्रारंभ किए जाते हैं और धर्म साथ देते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक आर्थिक और स्तर जाति और धर्म के संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा की। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाता है। भारतीय मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 93 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। भारत में 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किया गया और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बच्चों कल हम लोगों को पढ़ाएंगे अपनी क्लास में हमारे मौलिक अधिकार।